केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि अध्यादेशों को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी है। आंदोलन कर रहे किसानों ने केंद्र के बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के जरिए एक बार फिर से किसानों का मन बदलने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि बीते दिनों हुए कृषि सुधारों से किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खुले हैं, उदाहरण देकर नए अधिकार और अवसर भी प्राप्त हुए हैं। पीएम मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में खेती और उससे जुड़ी चीजों के साथ नए आयाम जुड़ रहे हैं। बीते दिनों हुई कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। भारत में खेती और उससे जुड़ी चीजों के साथ नए आयाम जुड़ रहे हैं। बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। बरसों से किसानों की जो मांग थी, जिन मांगों को पूरा करने के लिए किसी न किसी समय में हर राजनीतिक दल ने उनसे वायदा किया था, वो मांगे पूरी हुई है। काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं, बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं। इन अधिकारों ने बहुत ही कम समय में किसानों की परेशानियों को कम करना शुरू कर दिया है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बरसों से किसानों की जो मांग थी, जिन मांगों को पूरा करने के लिए किसी न किसी समय में हर राजनीतिक दल ने उनसे वादा किया था, वो मांगे पूरी हुई हैं। काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया है। उन्होंने महाराष्ट्र के एक किसान जितेंद्र भोईजी का उदाहरण देकर बताया कि कैसे उन्होंने नए कानून का फायदा उठाकर अपना बकाया वसूल कर लिया। जितेंद्र भोईजी ने मक्के की खेती की थी और सही दामों के लिए उसे व्यापारियों को बेचना तय किया। फसल की कुल कीमत तय हुई करीब 3,32,000 रुपये। जितेंद्र भोई को 25,000 रुपये एडवांस भी मिल गए थे। तय ये हुआ था कि बाकी का पैसा उन्हें 15 दिन में चुका दिया जाएगा, लेकिन बाद में परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें बाकी का पेमेंट नहीं मिला। इस स्थिति में उनकी मदद की सितंबर में जो पास हुए हैं, जो नए कृषि कानून बने हैं, वो उनके काम आए। इस कानून में ये तय किया गया है कि फसल खरीदने के 3 दिन में ही किसान को पूरा पेमेंट करना पड़ता है, और अगर पेमेंट नहीं होता है तो किसान शिकायत दर्ज कर सकता है। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि की पढ़ाई कर रहे छात्रों से गांव के किसानों को कृषि सुधारों और आधुनिक कृषि को लेकर जागरूक कर देश में हो रहे बदलाव का सहभागी बनने की अपील की।